Hey guys, Assalamualaikum. This is Ravya Mughni and I'm back with my top 5 dramas of the week. हाँ जी, इस बार कौन से 5 ड्रामे हैं जो हमारे टॉप 5 में शामिल हैं? सो पहले 4 ड्रामे जो थे ना, वो तो बिल्कुल शोर शॉर्ट थे. आई वॉज सो क्लियर, आई वॉज सो हैप्पी कि यार आज मुझे, इनफैक्ट 2 में थोड़ी सी जंग हो रही थी कि नंबर 3 पे कौन सा आएगा, लेकिन बड़ा मैं क्लियर थी कि कौन से 4 ड्रामे मेरे टॉप 5 में हैं. लेकिन जो पांचवा था वो बहुत मुश्किल हो रही थी. और पांचवा जो मैंने शामिल किया है, वो इसलिए शामिल हुआ है पांच नंबर 5 पे टॉप 5 में, क्योंकि बाकी सब ड्रामे, कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो टॉप 5 में आता. सॉरी, उन सब की एपिसोड्स इतनी बोरिंग थी, इतनी ड्रैग थी कि डिस्पाइट हैविंग गुड मैसेजेस, आई कांट हेल्प इट. लेकिन एज आई सेड, मैं हर ड्रामे को हर हफ्ते उसकी जो इंडिविजुअल एपिसोड आ रही होती है उसकी बेसिस पे कर रही होती हूँ. पिछली बार आप में से किसी ने कमेंट किया कि हाँ, आप लोग इससे पिटे ड्रामों को करते रहे और शराब जैसे ड्रामों को नहीं करें. लेकिन शराब की एपिसोड, अगर 40% ऑफ द एपिसोड इज ऑल अबाउट क्राइंग एंड सिस्टर राइवलरी एंड फजूल किस्म के ड्रामे, तो वो मेरा मतलब देन द सीन्स बिटवीन हुरैन एंड असफन यार हैव टू बी सो स्ट्रांग दैट दे ओवरकम एवरीथिंग एल्स विच इज नॉट हैपनिंग. सो इस वजह से शराब नहीं आ पा रहा, बट आई एम वेरी श्योर कि इट विल बी बैक सून. तो जी, टॉप 5 में बताने से पहले मैं आपको एक जिक्र करना चाह रही हूँ. शॉर्ट फिल्म जो आई है, क्या नाम रखा है, फहद शेख और हाजरा यामीन है इसमें. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. ओके, आई थिंक आई एम नॉट अ फैन ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में आजकल होता ही है कि कोई कहानी का शुरू और एंड एज सच नहीं होता है. वो बीच में कहीं से एक रस्ते में चलते हुए एक वाकया उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. बड़ी फिलोसॉफिकल टाइप की यू नो अप्रोच होती है, विच इज़ गुड. लेकिन मुझे, आई थिंक मुझे एक कंप्लीट पैकेज होता है कि कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, हैप्पी एंडिंग या नॉन हैप्पी एंडिंग, मतलब मुझे बीच में नहीं लटकता और पसंद आता. तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट फिल्म देखने की मुझे शौकीन नहीं हूँ. लेकिन फिर भी मैंने ये वाली देखी एंड द रीज़न आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो वॉच इट इज़ बिकॉज ऑफ हाजरा यामीन्स एक्टिंग. शी वॉज अमेजिंग, अमेजिंग. लाइक यू नो, आंखों से उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो एक्सप्रेशन दी हैं, जो मूवमेंट दी हैं एंड हर फेशियल एक्सप्रेशन, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. इट्स अ वेरी स्लो मूवी, शॉर्ट फिल्म, सी प्राइम की है. आप और फहद शेख की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, दोनों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है. कहानी मज़े की है. आई थिंक आप लोगों में से जिनको फिलोसॉफिकल चीज़ें पसंद है, जिंदगी के बारे में चीज़ें पसंद है, तो यू माइट लाइक इट. सो गो वॉच इट जस्ट बिकॉज हाजरा इज अमेजिंग इन इट. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 5 पे. नंबर 5 पे इस बार है जलन. यस, जलन हैज मेड इट टू आवर टॉप 5. व्हाई? बिकॉज निशा ने एक पलटा खाया और उसने प्रेगनेंसी अपनी डिस्क्लोज भी कर दी और ख़त्म भी कर दी. और इसलिए क्योंकि अरीज और अहमर का की जो रोमांस है वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. ऑल दो थोड़ा सा मुझे बेवकूफ़ाना भी लगता है कि अहमर साहब एक हफ्ते में चेंज हो गए, उनको मोहब्बत भी हो गई. आई रियली फील आई विश अहमर हैड सेड कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, ये नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी. क्योंकि किसी को भी, जिस बंदे से आप इतनी दूर रह रहे हो, जिस पे आप इतना गुस्सा करो, एक रात में मोहब्बत नहीं हो जाती. तो यस, आप उसकी तरफ सॉफ्ट हो जाते हैं. लेकिन ओवरऑल एपिसोड जो थी वो इंटरेस्टिंग थी, ग्रिपिंग थी. आप सोचे थे यार अब क्या होगा, क्या असफी वाकई निशा को तलाक दे देगा? और बहन जो आ गई उन्होंने रोक लिया, और जो बहन ने रोका और असफी ने मुड़ के देखा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था. सो ओवरऑल मज़े की एपिसोड थी. हम यही देख रहे हैं कि आगे होगा क्या, निशा कब पागल होगी, या असफी के साथ क्या होगा, क्या असफी को माफ़ी मिल जाएगी. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस, जलन हैज मेड इट टू आवर टॉप 5. नंबर फोर पे हमारे पास है छलावा. छलावा नंबर 4 पे, और छलावा नंबर 4 पे इसलिए है क्योंकि बाकी 3 ड्रामे जो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पे, उनकी एपिसोड्स बहुत स्ट्रांग थी. छलावा अगेन इज कीपिंग मी ऑन द एज. इस बार तो जो वो दिखाया है कि सवेरा जो अपनी माँ को उठा के, जब उसके अंदर सरनाश आ जाता है, वो जो उठा के उसको घुमाती है, वो इतना मज़े का था, इतना इंटरेस्टिंग था. मैं बिल्कुल देख रही थी. और उसकी एक्टिंग बच्ची की अमेजिंग, यू नो. एंड द न्यू ट्विस्ट, के मिस्ट्री क्या है, क्या वो छलावा जो है वो मानूर के मियाँ को जानता है और किस चीज़ का रिवेंज लेना चाह रहा है, और डॉक्टर हमदानी का किस्सा क्या है. लाइक कॉन्स्टेंटली आई फील छलावा जब देख रहे होते हैं ना आप, एक मिनट के लिए मैं इधर ही उधर नहीं देखती, मैं फोन भी नहीं चेक करती, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे से कोई डायलॉग मिस ना हो जाए. तो छलावा इज कीपिंग अस टोटली एंगेज्ड एंड एंटरटेन्ड एंड अ लिटिल स्केयर्ड आल्सो. इसलिए नंबर 4 पे है छलावा. स्क्रिप्ट, इस बार मुझे स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बोरियत ही हो रही है, क्योंकि अगेन मुश्क की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे डायलॉग्स थे. राज उल्फत के मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे किसी बेटी मोहब्बत के बहुत अच्छे लगे. सो आई फील कुछ नया नहीं है, बस यही 3-4 ड्रामे थे जिनके स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं और उनके डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो आपको सोचने में मजबूर करते हैं. इवन प्रेम गली का जो उर्दू की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सिंघार में,
Fasid Mavad, you know, so it's interesting to see these words and these sentences. Maza aa raha unko sunke. Number three pe hamare paas hai Ghisi Piti Mohabbat. मुझे किसी पिटी मोहब्बत की ये एपिसोड इतने मज़े की लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती. आई रियली लाइक बशारत के कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट दिखा रही है कि इसमें मतलब अब तक वो बिल्कुल सिली और छिचोरा सेट कर रहा था, लेकिन इसमें बशारत का हमने सीरियस साइड भी देखा. एंड आई लव द फैक्ट कि सामिया जो है वो इतने मज़े से जाके उसके कमरे में बैठ गई और उसकी भाभी का इंटरेक्शन दिखा रही. सो बेसिकली द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड हम सोच रहे कि होगा क्या, क्या बशारत वाकई सच्चा है या नहीं है, क्या बशारत और सामिया की शादी होगी, क्या वो लोग क्या बशारत वाकई उसके साथ जेन्युइन है या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है. एंड देन उसके जो भतीजे का फ़ोन चुराने वाला किस्सा था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये ट्विस्ट मुझे बड़ा यूजुअली होता है कि जब किसी का इस तरह का दिखाते तो एक बेवकूफाना सा ट्विस्ट दिखाते हैं, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिखाया कि बशारत एक्चुअली कहता है कि वो मैं रस्ते में गली में किसी को मैंने पकड़ा जिसके पास ये था और जब मैंने खोल के देखा तो मुझे सामिया तुम्हारे अब्बा का आईडी कार्ड और ये नजर आया. सो आई लाइक ऑल ऑफ दीज एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट द मिस्ट्री कि आगे हो गया होगा क्या, सामिया और बशारत की एंडिंग कैसे होगी, इज कीपिंग अस एंगेज. डायलॉग्स बहुत मजे के हैं. वो पूरा सीन जो दादी को छोटी जो होती है वो लेके जाती है, बोलती 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं, वो एक एंगल इतने मजे का है. देन असमारा और उसके मियाँ की जो हुई, आई रियली लाइक इट कि असमारा वापस चली गई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि क्या लड़कियों को एक चीज़ परफेक्ट हो तो उस पर एक छोटी चीज़ पर सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए. तो कॉन्स्टेंटली किसी पिटी मोहब्बत जो है ना इज एंटरटेनिंग अस एंड इज मेकिंग अस थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसलिए किसी पिटी मोहब्बत इज ऑन नंबर 3. यस हाँ जी. डायरेक्टर ऑफ द वीक, डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार हमारे पास है कासिम अली मुरीद फॉर प्रेम करी. मुझे इस बार की एपिसोड में क्या बोल, मैं आई थिंक हर ड्रामे में यही बोल रही हूँ, लेकिन इस बार की एपिसोड इतने मजे की थी. हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था. देन आपको रोमांस का भी डोज मिला, जो फरहान सईद और सुहाए का वो पूरा सीन था जब वो किचन में पानी पी रहे होते हैं और वो दरवाजे से लटक के करते हैं और वो घूमती हैं और वो उसका दुपट्टा पकड़ने की कोशिश करता है, दैट वाज सो क्यूट सो लवली. इतना मजा आ रहा था देख के. और फिर सारी उर्दू की जो दोनों इन लॉज के दरमियान डिस्कशन हो रही है वो बहुत अच्छा था. आई रियली फेल्ट कि कासिम अली मुरीद ने बहुत अच्छी तरीके से उसको डायरेक्ट किया हुआ था. उसकी डायरेक्शन वॉज अमेजिंग, कहीं भी आप बोर नहीं हो रहे थे और एक चीज़ दूसरी एक इवेंट दूसरे इवेंट पे बड़े अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स द वे ही इंट्रोड्यूस्ड द ख्वाजा सरा इन द स्टोरी वाज अमेजिंग. उन्होंने लाइक मिस्ट्री बरकरार रखी कि अच्छा गाड़ी आई उस पे से यू नो सुजुकी आई उस पे से सामान उतर रहा है, कौन है, सिंघार मेज है, मैं भी सिंघार मेज का वर्ड यूज़ कर रही हूँ. एंड बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि खवातीन हैं औरतें, मैं तो खैर पहले से प्रिडिक्ट कर चुकी थी कि क्या होगा. एंड देन फिर उन्होंने जिस तरह से ख्वाजा सरा को दिखाया, मैंने पहले भी अपने डिटेल रिव्यू में बोला और अब मैं दोबारा बोल रही हूँ दैट आई रियली अप्रिशिएटेड कि उन्होंने उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली यूज़ किया है, बड़ी रिस्पेक्टफुली उनकी ट्रीटमेंट की है, उन्होंने उनके स्टीरियोटाइप जो हम अज्यूम करते हैं उसको हटाने की कोशिश की है. एंड आई रियली रियली फील दैट इट विल मेक अ डिफरेंस. सो आई थिंक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी. और जावेद शेख की जो एंट्रेंस हुई है वो डायरेक्शन में बड़ा अच्छा था. कनेक्शन उन्होंने दिखाया आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने जिस तरह जावेद शेख को इंट्रोड्यूस किया है, नाउ वी आर नॉट एकदम से कौन आ गया है, हम उनको पहले एक दो दफ़ा देख चुके हैं, उनका गिफ्ट भी देख चुके हैं जो शीरीन के पास आया. सो वी आर नॉट एलियन टू हिज, यू नो ही इज़ नॉट एलियन टू अस. सो आई रियली लाइक इट कि डायरेक्शन वॉज वेल थॉट एंड वेल वीव्ड इन फॉर ऑल द इवेंट्स. एक्चुअली आई शुड से ऑल द इवेंट्स वर वेल डायरेक्टेड एंड वेल वीव्ड इन द स्टोरी. यस, ये सही जुमला बोला है मैंने. ओके जी, नंबर टू पे इस बार है मुश्क. पिछली बार मुश्क नंबर 1 पे था, इस बार नंबर 2 पे है मुश्क. इसलिए नंबर 2 पे है कि नंबर 1 पे जो ड्रामा है उसकी एपिसोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी मुश्क से, वरना मुश्क इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. मुझे बहुत मज़ा आया कि रोशनी की वापसी हो गई और महक जो है वो रोशनी के लिए फ़ाइट कर रही है और महक आदम से भी पूछ रही है कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ. आदम का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से आदम के कैरेक्टर ने हर किसी को पकड़ा हुआ है, लाइक महक को भी वही कर रहा है, रोशनी को भी वही कनेक्टेड है, ताई जी से भी वही कनेक्टेड है, गुड्डी से भी, और अब शायान से भी वो कनेक्टेड होगा. सो आदम का कैरेक्टर जो सेंट्रल है इट्स कीपिंग अस एंगेज, इट्स कीपिंग अस हुक्ड और स्टोरी में डेवलपमेंट हो रही है, यू नो बोर नहीं हो रहे थे. अगर थोड़ा सा ड्रैग लग भी रहा था तो उन्होंने उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि आप एक मिनट के लिए इधर उधर होना नहीं चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि यार आदम आगे करेगा क्या, क्या वो शायान को बचाने जा रहा है या वो महक को की दुआ सुन के एकदम से उसका दिल पसीजेगा और उसका दिल उसकी नीयत थोड़ी सी खराब होगी. सो आई फेल्ट के. और फिर मुकद्दर खान का जो नई डेवलपमेंट है कि वो मौलवी साहब को पैसे देके, पीर साहब को पैसे देके रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि यार तुम जल्दी निकाह का कराओ. एंड व्हाट आई रियली रियली वॉन्ट टू फाइंड आउट कि शायान और महक का होगा क्या.
क्या शायान भाग जाएगा, क्या आदम बचा लेगा. सो आई थिंक इट वॉज अ पावरफुल एपिसोड जिसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हुई और अच्छी स्टोरी मूव भी की और हमें मज़ा भी आया देखने का. एक्टर ऑफ द वीक. आजकल मुझे एक्टर ऑफ द वीक ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है देना, क्योंकि मुझे किसी भी एक शख्स या एक हीरोइन या हीरो की एक्टिंग बहुत स्टैंड आउट करती हुई नहीं लग रही होती, बल्कि तीन चार लोगों की लग रही होती है. फॉर एग्जाम्पल हाजरा यामी. आई थॉट हाजरा यामी इन जलन वॉज अमेजिंग. वो सीन जिसमें अहमर उनको बोलता है, जब वो निशा के कमरे से बाहर आ रहा होता है, शी डिसअपॉइंटेड कि तुम अभी तक जा रहे हो, तो वो जो सारी बातें बोलती है, जो उनके दरमियान डायलॉग होता है, हाजरा यामी इज ओनली एक्टिंग विद हर फेस, हर आईज एंड हर हैंड्स. शी इज, यू नो, अहमर उनको कोई रोमांस का जुमला बोलता है, मुझे जुमला एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एंड हाजरा यू नो डज दिस एंड यू नो ऐसे करती है, बिकॉज वो घबराई हुई भी है, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वो बोलेगा. सो यू नो विदाउट सेइंग मच, विदाउट मच डायलॉग्स, शी ब्रिलियंटली डिलीवर्ड बींग अ गर्ल जिसको उसका उसका हस्बैंड या उसका महबूब जो है वो कोई बात कर रहा है, एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू. सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड शी इज अ वेरी, मुझे लगता है हाजरा यामी जब ऐसे कैरेक्टर्स करती है ना, शी हैज़ अ वेरी positive vibe about her, you can't help but like her, so I want to mention her. Second जो मैं mention करना चाहती हूँ acting के लिए वो है अली अब्बास for his role in Basharat. I think पिछली बार भी मैंने mention किया था. Okay, so I feel कि Basharat के इस बार का जो character है वो बहुत strong था. It gave like मुझे बहुत मज़ा आया उनके character को देख के, जब वो सामिया से बात कर रहे होते हैं, you know he goes from sad to एकदम से funny and from funny to एकदम से serious, you know, जब वो रेस्टोरेंट में उसको लेने आते हैं बात करने के लिए, जब उसको उसके बाप का फोन देते हैं, व्हेन ही टर्न्स अराउंड, एंड कमरे में भी जब वो बैठे हुए बात करता है कि मैंने तो कह दिया मुझे तो जिससे भी लेना है वो मेरी भाभी और मेरे भतीजे भतीजों के साथ मुझे एक्सेप्ट करे, यू नो लाइक देयर इज सो मच एक्सप्रेशन इन हिज वॉइस, इन हिज आईज एंड हिज मैनरिज्म, यू नो. सो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग दिस, एंड बहुत बहुत मजा आ रहा है उनके कैरेक्टर को देख के. इट्स नॉट जस्ट कि वो एक्टिंग अच्छी करें, एक्चुअली ही इज मेकिंग यू हैव फन बाय वॉचिंग हिम, यू नो. सो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट हिम. अच्छा जी, नंबर वन एक्टर हो गया ना, यस, नंबर वन पे हमारे पास है प्रेम गली. प्रेम गली इस बार नंबर वन पे बहुत से रीजंस के लिए है. नंबर वन सबसे पहला रीजन तो ये कि उसकी एपिसोड वाकई बहुत ही एंगेजिंग, एंटरटेनिंग थी. उसमें आपको थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज भी मिले, उसमें आपको रोमांस भी मिला, उसमें आपको थोड़ी सी मजा भी मिला, उसमें आपको मिस्ट्री भी मिली कि अब जोया के अब्बा की एंट्री हो गई है, वो क्यों हमजा की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, उनका रोल कैसे आएगा, वो क्या करेंगे, वो इतने दिनों से कहाँ गायब थे. देन जोया के घर वाले और हमजा के घर वालों में जो इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो बहुत मजे का था. एंड द रोमांटिक सीन इन द किचन जो मैं पहले भी मैंशन कर चुकी हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत था. यू नो यूजली होता है कि वो शादी के बाद रोमांस खत्म कर देते हैं सारे ड्रामों में, लेकिन इसमें शादी के बाद भी दिखा रहे हैं, एंड आई जस्ट लव इट. और हंसी मजाक तो पूरी एपिसोड में, यू कॉन्स्टेंटली कीप लाफिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंट्री ऑफ द ख्वाजा सरा इन द ड्रामा, एंड द वे इट वॉज ट्रीटेड, इट वॉज विद रिस्पेक्ट, एंड इट वॉज विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस ऑल्सो, यू नो. बहुत ही, मतलब बातों बातों में इतने मैसेजेस उन्होंने कर दिए कि किस तरीके से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनको इज्जत की, रोजी कमाने की अपॉर्चुनिटीज हम लोग नहीं देते. तो आई थॉट कि इस बार की प्रेम गली की एपिसोड बहुत बहुत सॉलिड थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मतलब मैं तो कॉन्स्टेंटली आई वॉज स्माइलिंग और आई वॉज लाफिंग आउट लाउड. और आखिरी सीन में तो जब जोया बेचारी लिपस्टिक लगा रही होती है और दादा ससुर की आवाज़ आती है कि वो सब जा रहे हैं उनके साथ मूवी देखने, तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया. तो जी, ये थे हमारे टॉप 5 ड्रामास फॉर दिस वीक. आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. पिछली बार आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि सवाल जवाब दोबारा शुरू करें. मैं कोशिश कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो इस वजह से, बट आई थिंक मे बी आई विल पिक अप 3 क्वेश्चंस एवरी वीक फ्रॉम द क्वेश्चन. सो आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, मैं अगली बार कोशिश करूँगी कोई से 3 सवाल पिक करूँ और उनका जवाब दूँ. उसके अलावा बस दिसंबर आ रहा है एंड मज़ा आ रहा है. सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, कराची में आके चली गई थी, अब दोबारा मुझे लगता है कि आ रही है. मूँगफली के ठेले आपको नजर आने लगे हैं, शकरकंदी की टिंग 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 की आवाज़ आना शुरू हो गई है. सो मज़ा है सर्दियों का अपना. आपको सर्दी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आप यूट्यूब चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिए. एंड आई विल सी यू गाइस सून. अल्लाह हाफ़िज़.